हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंटीरियर फर्नीचर आइडियाज़। तो आप देख सकते हो जो हमारे किचन का जो ये वर्क चल रहा है, तो किचन के अंदर आप देख सकते हो उसके अंदर हमने ये लॉफ्ट बनाया हुआ है और किचन ट्रॉली बनाया हुआ है। तो इसके अंदर हमने इसका क्या क्या साइज़ रखा है और किस तरह से इसको मेकिंग किया है, तो ये पूरा मेकिंग प्रोसेस में है। तो आज की इस वीडियो में सारा कुछ जानकारी देंगे, तो बने रहिए वीडियो में। सबसे पहले अगर हम किचन ट्रॉली का अगर साइज़ का बात करेंगे, तो ये पूरा लंबाई में है, पूरा एल शेप में 11 फीट है। और उसके अंदर आप देख सकते हो जो स्ट्रेट माप है इसके अंदर, ये पूरा तकरीबन है 8 फीट। और उसी हिसाब से इस साइड का जो साइज़ है एल सेक्शन के अंदर जो डबल डोर है, इसका साइज़ है 3 फीट। तो इसी हिसाब से सब मिला के 11 फीट साइज़ रखा है हमने इसके अंदर। तो उसी के साथ इस साइड में देख सकते हो, इस साइड का जो सेक्शन है इसके अंदर ये जो ऊपर का सेक्शन दिया हमने 6 इंच, तो इसके अंदर प्लेन वाला फोल्डिंग का वायर का बास्केट डाला है हमने, जो कि आप देख सकते हो वॉशेबल भी कर सकते हैं काट कर। तो इस हिसाब से हमने ये फोल्डिंग बास्केट बनाया हुआ है। तो ऊपर का साइज़ दिया है हमने ये 6 इंच है, और उसके नीचे का है तकरीबन 8 इंच, और उसके नीचे का है तकरीबन ये 12 इंच का है। तो देख सकते हो उसके अंदर हमने ये पूरा प्लेन वाला बास्केट दिया हुआ है। और इसका अगर साइज़ का बात करेंगे हाइट का, तो इसका तकरीबन हाइट है फ्लोरिंग से 2.5 फीट हाइट है। तो उसी के बाजू में आता है, देख सकते हो आप, सिंक आता है। तो उसके नीचे देख सकते हो आप, हमने ये डबल डोर दिया हुआ इस तरीके से। और उसी के साथ हमने इस साइड में देख सकते हो आप, ये पूरा इसके अंदर हमने ये डब्ल्यू इंजिस बिठाया हुआ है इस तरीके से। और उसी तरह से उसके बाजू में आता है इस तरह से, देख सकते हो आप, इसके अंदर हमने ये डिज़ाइन किया हुआ है। उसके ऊपर आता है ये कटलरी अपना, उसके अंदर ये देख सकते हो आप, ये जाली वगैरह आता है। तो उसी हिसाब से इसके अंदर से पूरा ये पानी वगैरह, ये पूरा देख सकते हो आप डॉट डॉट, इसके अंदर पूरा ये पानी पूरा फ्लोरिंग तक चला जाएगा। तो उसके नीचे आता है तकरीबन, देख सकते हो आप, ये तकरीबन है ये 8 इंच है। और इसके अंदर आता है अपना, ये थोड़ा नज़दीक से दिखाइए, ये देख सकते हो उसके ऊपर जो अपना कप बसी रहता है, जो भी सासर वगैरह रहता है, तो इस साइड में बैठ जाएगा। और उसके बाजू में भी पूरा ये प्लेन जगह है वायर का। तो उसके नीचे आता है ये देख सकते हो आप, जो ताट बर्तन वगैरह रहते हैं, ये पूरा इसके नीचे देख सकते हो आप, ये पूरा इधर बैठ जाएगा ये पूरा। और उसके बाजू में आता है बॉटल का, ये देख सकते हो आप, ये भी फोल्डिंग सेक्शन में है। जिस तरह से अपने को चाहिए उस तरह से एडजस्टमेंट भी हो जाएगा ये। और उसके बाजू में आता है ये पूरा प्लेन वायर वाला बास्केट दिया हुआ है हमने, ये देख सकते हो। तो इस तरीके से इसके अंदर हमने ये डिज़ाइन किया हुआ है। और इस साइड में हमने ये पूरा एक कॉर्नर का 2 इंच का पट्टी भर के, इस साइड में देख सकते हो आप जो गैस का एरिया आता है, तो इस साइड में पीछे साइड में गैस कनेक्शन का पूरा वायर जाएगा पीछे से। तो इस साइड में ये पूरा गैस कनेक्शन का, ये पूरा गैस टाकी वगैरह बढ़ जाएगा इस साइड में। तो इसी हिसाब से हमने इस साइड में पूरा ये डबल डोर दिया हुआ है। तो इस साइड में देख सकते हो जो हमने इसके अंदर ये पूरा ये फ्रेमिंग के अंदर ये पूरा कैबिनेट किया हुआ है। तो इस साइड में आप देख सकते हो जो ये पूरा मार्बल है, मार्बल के ऊपर ये पूरा प्लाईवुड लगा के 18 mm का, ये पूरा देख सकते हो आप, ये पूरा हमने लैमिनेट फिनिश किया हुआ है। तो ऊपर ये पूरा ग्लास का डोर आएगा, और उसके नीचे पूरा ये सॉलिड डोर आएगा पूरा 18 mm के अंदर। और उसी के साथ देख सकते हो ये ऊपर जो हमने ये लॉफ्ट बनाया हुआ है ये पूरा, तो ये पूरा सा यू साइज में है ये पूरा लॉफ्ट, जिसका तकरीबन हाइट है ये 4 फीट है। और उसके अंदर आप देख सकते हो ऊपर का जो पूरा पट्टा है, उसके अंदर हमने पूरा 1 फीट का ये पूरा पैक किया हुआ है। और उसके नीचे से पूरा 3 फीट का पूरा सॉलिड डोर आया हुआ है इसके अंदर। तो ये फ्रेंड्स, आपने देखा वीडियो में सारा कुछ कि हमने किस तरह से पूरे किचन को मेकिंग किया हुआ है। तो इसका पूरा वीडियो जल्द से जल्द हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड होगा।